कर्नाटका बैंक मैनेजर के द्वारा कयाघाट मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए बैंक मैनेजर अभिनव सारस्वत ने कमिश्नर आशुतोष पांडे से अनुमति मांगी है। पांडे ने इसके लिए अनुमति प्रदान करते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटका बैंक मैनेजर अभिनव सारस्वत व उनकी पत्नी ऋचा शर्मा ने बताया कि 4 जून को उनकी बेटी अलिष्का का जन्म हुआ था। जन्म के आधे घंटे के बाद ही उनकी बेटी अलिष्का का देहांत हो गया। देहांत के बाद अभिनव सारस्वत एवं उनके परिवारजनों ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कयाघाट स्थित मुक्ति धाम में किया। इसके बाद सारस्वत ने परिवारजनों से चर्चा उपरांत स्वयं के खर्चे से कयाघाट मुक्ति धाम में बेटी के अंतिम संस्कार स्थान पर मार्बल से नामकरण करने सहित पौधारोपण और मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण करने की मंशा जाहिर की। इस संबंध पर कर्नाटका के बैंक मैनेजर अभिनव सारस्वत ने पूर्व कमिश्नर आशुतोष पांडे से मुलाकात कर स्वयं के खर्चे से कयाघाट मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण करने के लिए अनुमति प्रदान करने आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर पूर्व कमिश्नर पांडे ने सारस्वत को अनुमति देते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य करने की बात कही। जी जरूर मैडम, देखिए मेरी चार एक फूल सी बच्ची 5 महीने की प्री डिलीवरी के बाद में नहीं रही। मैंने उसका यहाँ 4 तारीख को अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जब मैंने देखा तो यहाँ बहुत सारे बच्चों के दफन है और सभी को इतना धूप लग रहा है, थोड़ा साफ सफाई इतना नहीं है। फिर ऐसी इच्छा है कि क्यों ना एक सामाजिक कार्य करते हुए इस पार्क को डेवलप किया जाए। जो बच्चे यहाँ दफन है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को भी एक शांति नसीब हो। तो ऐसा विचार आने के बाद फिर हमने यहाँ एक नर्सरी को कांटेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद दूंगा, जो हमारे मन में इच्छा है एक सामाजिक कार्य करने की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तुरंत अपना ऑर्डर देते हुए हमें परमिशन दे दिया और हमको अनुमति दे दी कि हम काम करने के लिए जा सकते हैं। और फिर हमने अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिया है। एक यहाँ पर थोड़ा छाया रहेगी, बड़े पेड़ रहेगा, जो बच्चे हैं दफन है उनको एक शांति मिलेगी। तो वो एक सामाजिक कार्य करने के लिए ये हमने एक कदम उठाया है, और जिससे कि हमारा बच्चे हमारे साथ में, जो भी बच्चा दफन है या आगे भी ऐसा कुछ है, उन सभी को आत्मा को शांति मिले। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्लांटेशन तो होता है, केयर नहीं हो पाता, देख देख के अभाव में सूख जाते हैं। जी, आपने कुछ इसके आगे लेके लिए भी सोच रखा है? उसके लिए जिस नर्सरी को हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हम उनसे ही बात कर रहे हैं और ड्रिप इरीगेशन करके एक उन्होंने सुझाव दिया है। तो आने वाले वक्त में एक बार यहाँ पर पेड़ लगने के बाद में ड्रिप इरीगेशन का भी हम इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हम पेड़ जिस पर्पस के लिए लगा रहे हैं वो लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसका भी हमारा विचार है। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।